नियति स्वाधिताये रोजे रखे जाते हैं और इतने ही जोश से इफ्तार पार्टीज मनाई जाती हैं। इफ्तार जो है वो लोग चाहे घरों पर जोश के नाम सब आए और शाही कोई इफ्तार पार्टी है। राजन सर ने याद किया है, बहुत सालों से उनके साथ बहुत ही प्यारा एक मेरा रिलेशन रहा है, तो बस उसी के लिए आए यार। राजन सर के लिए आए हम सब, हम खाते हैं हम जितने लोग सब सब मिले। बात करें राजन सर की, अगर राजन सर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या वर्ड? एक वर्ड कम पड़ेगा, बट ही इज अ विजनरी। आई थिंक ही इज अ विजनरी। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ एक विजन था, शायद वो सालों पहले देखा था कि आज वो DKP किस लेवल पे देखेंगे और क्या क्या वो करेंगे अपने प्रोडक्शन के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ। आज टच में वो कर रहे हैं और उन्होंने प्रूव किया मैन विद अ ग्रेट विजन। बात करें इफ्तार पार्टी में तो काफ़ी अलग किस्म के खाने बन रहे, तो आपका फेवरेट क्या है जो आप एकदम क्रेव होता है कि हाँ? मुझे किसी ने कहा कि सर आप इफ्तार पार्टी में आए तो डायरेक्टर्स और हर जगह जो रिस्पेक्ट और यूनिटी के चले गए नॉलेज करते हैं। हर पल को एंजॉय कीजिए, जा सकते हैं जो भी कुछ आएगा मैं बताऊंगा। थैंक यू। और अदा इफ्तार पार्टी में सबसे पहले काफ़ी खूबसूरत लगी है, आउटफिट कैसे डिसाइड किया? क्योंकि आउटफिट इज द मेन पार्ट ऑफ द इफ्तार पार्टी। यस, आपसे काफ़ी बात कर रही हूँ जब मैंने खाना भी खा लिया एंड आई वाज वेरी जो मैं रेडी होके आई थी एंड वेल अब मैं यही कहूँगी कि इफ्तार पार्टी के लिए मैंने एक डीप मरून आउटफिट चूज किया, व्हिच हैड नाइस चिकन कबाब ऑन इट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये गरारा एंड आई थॉट इट वाज द बेस्ट फॉर द ओकेजन। इफ्तार में सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ क्या ऐसा इम्पोर्टेंस लगता है आपको जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए? इफ्तार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप कहाँ जाना है उस वक्त हम जो आपको करते हैं और कोशिश में यही करते हैं कि यह वहाँ की बातें ना करके सिर्फ बैटरी नहीं है खाली है। बस ये सारी हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम अदा डैड को काफ़ी मिस करते हैं आप, हम देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें जो उनको मतलब उनकी बात आपको हमेशा याद रखें, कुछ मेमोरीज आपको बताना चाहिए? वेल हर फेस्टिवल में एक इंसान जो बहुत ज़रूरी होता है, हर फैमिली में बात जरूरी है, हर फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा और स्पेशल होती है एंड यस आई कुड मिस हर एंड सो आफ्टर ऑल द फेस्टिवल सी म्यूजिक। राजन सर से मिली कैसा लगा? आई थिंक आई मेट हिम आफ्टर अ ईयर नाउ, लास्ट ईयर इफ्तार पार्टी पे ही मिली थी और इस साल भी उनसे इफ्तार पार्टी पे ही मिली। सो हर बार जब आती हूँ तो घर जैसा फीलिंग होता है और बहुत खुशी होती है। जब आप ये सब फेस्टिवल में सब एक जगह आते हैं तो आपके फैंस भी वेट करते हैं कि कब कुछ नया आएगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे आगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे और जैसे ही आएंगे मेरे सारे फैंस को मिलना चाहता है। लास्ट मैसेज टू फैंस एंड ऑडियंस? वेल सारे फैंस को सबको मैं अपनी तरफ से ईद मुबारक विश करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हवा है हम आए, हाउ इज द फीलिंग, हाउ इज द कैसा नहीं?
having it and having it at my house. Huge family's iftari party. Just so loving, so giving. Always so much love. We are seeing here. It's so much love. What do you love most about iftar party? The food, of course, goes without saying. And then you meet people. Yeah. And of course, the way you dress it. Thank you. Ma'am, if I talk about Rajan's dress, what do you want to say about it? So, when I came to know about it, I was too excited. Too excited to say, I had heard about Rajan's dress. That he is one of the best producers, mainly, and second was also that Rishka has been for so many years. So when I was called for the role of Rani Saab for season 4, and I knew that there's something very good, that's why he's called me. So there was no question asked. I just met him and I'm a part of it. I'll take care of him. You have a lot of कुछ ऐसी यादें जो आपको एक्चुअली हमने अक्टूबर से शुरू किया है. यादें रोज़ ही बनती है सेट पे बिकॉज माहौल ही इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इतना कम्फर्टेबल है. इट नो फील है गोइंग. कभी कभी तो ऐसे ही हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि हम घर से सोने जा रहे हैं. इमोशनली वी कम ऑन सेट एंड देन वी आर देयर टू देयर. कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि काम इतना अच्छा होता है, लोग इतने अच्छे हैं. फील भी नहीं होते थे कि आप हाउस लाइक. बहुत मज़ा आता है. मैसेज फैंस एंड ऑडियंस, वी विल कीप वर्किंग हार्ड. रिश्ता इज माय फैमिली, रिश्ता इज योर फैमिली. क्योंकि आप रिश्ता को इतना प्यार देते हैं इतने सालों से, आप देते रहे ना. एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू मेक यू ऑल हैप्पी. और आप सबको बहुत बहुत ही धीरे से रुकिए ना, धीरे से इधर बैठ. छोटा सा बच्चा. धीरे सर इफ्तार पार्टी में आए राजन सर के, कैसा फीलिंग? हाउ इज द वाइब? इट्स अ ग्रेट फीलिंग. आई एम कमिंग बैक टू माय फैमिली एंड अपने करियर की शुरुआत यहाँ से की. और हमेशा विश करता हूँ कि वापस के पी में आपके और अच्छा काम करूँ. एंड राजन जी बहुत स्पेशल मेरी लाइफ में. ही गेव मी माय फर्स्ट ब्रेक एंड ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. एंड जब भी मिलता हूँ उनसे, सो आई गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हिम एंड विच कीप्स मी गोइंग. राजन सर इस बारे में सब यही कह रहे थे, क्या ऐसी यूनिक चीज़ है जो आप एक चीज़ आप मेंशन करें क्या? आई थिंक ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग. ही अंडरस्टैंड्स यू. मैंने कभी उनको ना बोलते हुए नहीं सुना. आई नेवर हर्ड हिम सेइंग नो सॉरी. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इफ्तार? आई थिंक शी विल. एनी मैसेज टू फैंस एंड ऑडियंस? या जस्ट कीप वॉचिंग माई शो. अब से अगर आपकी बात करें तो आप कितनी एक्साइटेड थी आने के लिए इफ्तार? इफ्तार में आने से ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए. वो तो हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी. प्लस ये हमारा नया फैमिली साथ ये नहीं मिला था सबसे. बहुत पुराना नाता राजन जी और पूरी टीम के साथ. तो आई वेरी हैप्पी आप सब मिल गए. बहुत ही प्यारी सी इवनिंग थी और अच्छी भी था. इनकी फेवरेट तो है शीर कोरमा. आपका फेवरेट मिठाई? कोई भी मिठाई, बस ऑल द स्वीट्स और जितनी वैरायटी मैं तो सब खा लूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच.